फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम एक्सपोजर को सब्सक्राइब करें। आज 9 फरवरी रामपुर में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आकर्षण प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजगर अली खान एडवोकेट तथा रामपुर से पार्टी के प्रत्याशी संजय सक्सेना रहे। दरअसल अजगर अली खान एडवोकेट का ताल्लुक रामपुर से है, जो इस वक्त दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और संजय सक्सेना का भी कहा जा रहा है कि ताल्लुक रामपुर से है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में इनके आबा अजदाद दिल्ली चले गए थे, अब इनका तमाम बिजनेस दिल्ली में ही है। रामपुर की खिदमत करने के लिए, रामपुर वालों की खिदमत करने के लिए ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए रामपुर आए हैं। आपको बताते चलें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ज़िले की जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर नसीर शामिया एडवोकेट को दी गई है, यानी इस पार्टी के रामपुर के ज़िला अध्यक्ष नसीर शामिया हैं, जिन्होंने कम समय में पार्टी को रामपुर ज़िले में एक पहचान दी है। ये उनका एक अपना अलग एक स्थान है, एक उनकी अलग पहचान है, और उनकी अपनी कोशिशें हैं कि उन्होंने कम समय के अंदर इस पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया है। अजगर खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जात पात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर काम करेगी। उन्होंने सपा के कद्दावर के नाम लिए बगैर कटाक्ष किया कि यदि रामपुर को साफ चौड़ी सड़कें दी गईं तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान आप लोगों का है जो उन्हें इस काबिल आपने बनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के ऊपर कोई जुल्म या अत्याचार होगा या कोई कब्रिस्तान तुड़वाया जाएगा या उसके ऊपर बिलडोज़र चलवाया जाएगा तो उसके आगे सबसे पहले अजगर खान का सीना होगा। रामपुर की बेरोज़गारी को लेकर भी बहुत सी बातें हुईं। अजगर खान ने उसके जवाब दिए तथा रामपुर से संजय सक्सेना, जिन्हें यहाँ का कैंडिडेट बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, उन्होंने भी बहुत पुरजोश अंदाज में मीडिया वालों के सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी के उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान वासिफ कैमरामैन के साथ। मीडिया के मेरे बहुत अजीज बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं, मेरा नाम अजगर खान है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट और हिंदुस्तान की दीगर हाई कोर्ट से मेरा अक्सर ताल्लुक रहता है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहां खड़े होकर बात कर रहा हूं, इस पाक सरजमीन से मेरा बड़ा एक ऐसा रिश्ता है कि इसकी मिट्टी से मुझे खुशबू आती है। मैं रामपुर का रहने वाला हूं और मुझे अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा फख्र इसी बात में है कि मैं रामपुर का रहने वाला हूं। कहते हैं कि हम रामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर का कोई भी शख्स या मीडिया के लोग या हमारे दोस्त कभी भी अगर कहीं बुलंदी पे नजर आते हो तो इस बात का अल्लाह गवाह है कि दिल में अंदर से खुशी हासिल होती है, और उसी रिश्ते को लेकर रामपुर से एक लगाव है। इसकी मिट्टी से हमें एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है और हमारे खून का जुड़ा हुआ रिश्ता इसकी आबोहवा से, इसकी दर दीवार से। इसी बात को लेकर मैंने, ये मेरा बहुत अजीज दोस्त है, मेरे छोटे भाई की तरह से है संजय सक्सेना, मैंने इनको कहा कि आप इन चुकी के खुद भी रामपुर के रहने वाले हैं, ये भी रामपुर की मिट्टी से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम और आप करते हैं। रामपुर इनका आबाई वतन है हमारे ही तरह, लेकिन कारोबार के सिलसिले में इन्होंने यहां से हिजरत की और दिल्ली चले गए और वहां अल्लाह ताला ने इनको खूब तरक्की दी और ये आज वहां भी अपने बिजनेस में एक कामयाब बिजनेसमैन है और अल्लाह का शुक्र है। और मेरा एक शौक है कि मैं सियासत करना चाहता हूँ, कारोबार मेरा नहीं है सियासत। मैं इसलिए सिर्फ दो शर्तें रखकर आपके साथ आऊंगा, एक तो ये कि मैं आपकी नेशनल टीम में काम करूंगा ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ बुजुर्ग की आवाज में आवाज मिलाकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोल रहे हैं
ये बच्चा हमारा, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, इससे गोशे गोशे और कोने कोने में मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी नेशनल एक मैंने ये बात रखी थी और दूसरी बात यह रखी थी कि अगर किसी भी बात अगर जर्रे बराबर कहीं मेरे साथ या मेरी कौम के साथ अगर कहीं जर्रे बराबर भी कोई बेइज्जती का इजहार हुआ तो मैं एक सेकेंड में इस पार्टी और इस पार्टी के लीडर को अपनी जूती नोक पर रखकर चला जाऊंगा। ये हमारा अंदर का एक एहसास है कि हम पूरे व्यापार को पूरी इज्जत के साथ चलना चाहते हैं। हमने संजय सक्सेना साहब से कहा कि भाई हमारा यह अबाई वतन आज अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है, जो वकार दिया है, जो ताकत दी है, जो इज्जत दी है और जो आपको अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है, तो उसका सही सही इस्तेमाल करने का एक तरीका यही है कि आओ इन लोगों की खिदमत कर, जहां के तुम सबूत के नाते हो, जहां से तुम होकर आए हो, जो तुम्हारा आबाई वतन है, वहां के लोगों की खिदमत कर। करने के लिए बहुत लोग यहाँ है, आप लोग भी हैं और आप लोग भी खिदमत करने का अपना अपना तरीका है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी खिदमत है, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बड़ा नोबल जाब है, आप तमाम सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा ये एक बात कहूँ कि हम यहाँ से लक्षण है, उसके लिए बहुत सारी चीजें थी कि जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ की जो खामियां हैं उनको दूर करें, खासकर रोजगार से लगी हुई चीजें हैं, कोई बत्तियां, कोई खूबसूरत जगहें जब तक अच्छी नहीं लगती जब तक पेट में भूख सबसे बड़ी परेशानी की है, इनकार हम भी नहीं करते, सिर्फ सड़कों की तरक्की हो जाना। और अगर ये तरक्की हुई भी है तो मैं एक बात अपनी आवाज बुलंदी से आपके सामने कहना चाहूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी ने यहाँ की कोई सड़क बनवा दी हो, यहाँ अगर बिजली लगवा दी हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात ना बात है और ना कोई आप लोगों का एहसान है। आज एहसान आप लोगों का है इनको कि आपने उनको इस लायक बनाया तो ये सड़क बनवा सके और बत्तियां लगवा सके, और ये सड़क बनवा देना और बत्तियां लगवा देना, ये छोटे मोटे काम हो जाना इस शहर में इतनी बड़ी बात नहीं है। एक मिनिस्टर, एक एमएलए या एक एमपी के लिए सिर्फ इशारा करना होता है और वो काम हो जाना चाहिए, वो तो बिल्कुल मरे हुए लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। लिहाजा उसी जगह से लेकर आए, खिदमत में लगे थे, हमने इनको सिर्फ इतना कहा कि आप मुल्क की जमानत छोड़िए, अपने शहर की जमानत लीजिए, अपने वतन की, अपने उस आबाई वतन की जिसकी जमीन पर आपने जन्म लिया है और उसी की खिदमत करने जाना, फिर बात करने। हाँ, मैं भी चाहता हूँ इनसे करें एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे मुलायम सिंह का क्या रोल है आपके साथ में, जबकि शिवपाल जी हमेशा मुलायम सिंह को साथ में लेकर चलते हैं और आपके इस बैनर में कहीं मुलायम सिंह का कोई फोटो नहीं है। दूसरी बात, आपके अलायंस किस किस से हैं? हमारे अलायंस अभी देखिए ये बात बिल्कुल फाइनल नहीं हुई है कि अलायंस किस किस से हो रहे हैं, लेकिन एक बात है अलायंस से बात कि हम तमाम सेकुलर लोगों से अलायंस से हमने आवाज दी है, जो चाहे हमसे आके बात कर सकता है, किसी क्रिमिनल आदमी से, किसी जालिम आदमी से, किसी शातिर पार्टी से हम अलायंस नहीं करेंगे, ऐसे आदमी से भी नहीं करेंगे कि जो अपने आप की अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। क्या आपका इशारा सपा की तरफ है? सपा के लोग चाहें तो वो आके बात कर सकते हैं, अगर हमारी शक्तियों में आएंगे हमारे पास तो हम देखेंगे सोचेंगे। मुलायम सिंह का क्या रोल है आपके साथ में? मुलायम सिंह का ये रोल है कि वो कहते हैं कि साहब मैं उनकी मजबूरी है कि उधर भी सरपरस्ती देते हैं इधर भी सरपरस्ती देते हैं। हमारी पहली रैली लखनऊ में हुई, उसमें मुलायम सिंह साहब तशरीफ लाए, उसके सरपरस्ती उस रैली को की उन्होंने और उसमें एक लंबी चौड़ी तकरीर की और इनकी भी तारीफ की, उसके पहले भी और उसके बाद में भी वो उनके भी मंच नजर। तो इस बैनर में सरपरस्ती में फोटो नहीं है उनका? नहीं, इसमें फोटो इसीलिए नहीं रखा है कि ये बात अभी तय नहीं हो पा रही है कि वो उनको सरपरस्ती दे रहे हैं या हमें सरपरस्ती दे रहे हैं, अभी ये बात अंडर डिस्कशन है, जैसे ही बात तय हो जाएगी, अगर उन्होंने ये वादा किया कि पूरे इलेक्शन में वो हमें ही सरपरस्ती देंगे तो उनका सिर्फ फोटो नहीं, ये पूरा बैनर ही उनका होगा, हम इस पर कहीं नजर नहीं आएंगे। समाजवादी के इस मिनिस्टर का वो सारा